मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि मुंगेर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनना चाहिए। इसके लिए कार्यक्रम का जब मेरे पास आया तो इसमें केवल राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय ही लिखा हुआ था। तुरंत हमने अधिकारियों से बातचीत किया कि इसमें अस्पताल भी जोड़ा जाए। इसके बाद बिहार में कॉलेज और अस्पताल दोनों साथ ही करने का निर्देश दिया गया। वहीं मुंगेर की जनता को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह को एमपी बनाए रखने की गुजारिश की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुंगेर एक पौराणिक जगह है, सिर्फ पटना को याद ना रखिए, हम लोग तो बचपन से यहाँ के बारे में जानते हैं, हम कितना घूमते रहते हैं, यहाँ सब इलाका कितना महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब हम लोगों ने एक बार ललन बाबू से कहा कि आप अगर एमपी बनना चाहते हैं तो मुंगेर से बनिए, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इन्हें एमपी बनाया। आपसे आग्रह करेंगे कि सब दिन इनको एमपी बनाए रखिए, आगे भी आप लोग बनाइए, है ना तैयार। बाकी तो सब लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, हम लोग कितना काम करते हैं। और यहाँ उपस्थित है पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी। और आज देख लीजिए कि आज कितनी महत्वपूर्ण बात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, तो हमने तो बहुत पहले कह दिया था कि इसको बनना चाहिए, लेकिन इसके कार्यक्रम का जब मेरे पास आया तो हमने देखा कि भाई लिखा हुआ है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल का नहीं। हम तो जो भी बनाते हैं चिकित्सा अस्पताल बने, महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल साथ साथ बनता है, तो यहां पर अलग काहे किए हुए थे। तो तुरंत हमने अधिकारियों से बातचीत किया कि भाई ये तो है नहीं। अब पता चला कि एक जगह और किए हुए थे, हमके देखिए ये नहीं कभी हो सकता, हमने तो सब दिन कहा है, तब मान लिए वो। और हमने कहा कि देखिए कार्यक्रम तय कर दिए हैं, तो जब तक वो चिकित्सा अस्पताल भी साथ साथ नहीं हो चिकित्सा महाविद्यालय के साथ, तो उसी में एक एक जगह पर आ करके देख करके, और ये भी इन लोगों ने कर दिया। शायद कितना 750 ना 630 का कर दिए हैं, तो हम तो आग्रह करेंगे कि उसको और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा बाद में। अरे भाई मुंगेर आज का जगह है, ये सब पौराणिक जगह है, बहुत बहुत पहले की जगह है। मुंगेर को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, खाली पटना को याद मत रखिए, सब जगह जो पौराणिक जगह है मुंगेर भी है। हम लोग तो बचपन से ना जानते हैं जी, आप लोग तो बहुत लोग हैं, किसी किसी को पुराना आदमी को मालूम होगा, हम कितना घूमते रहे जी, एक भी मुंगेर का कोई इलाका है, सब कितना महत्वपूर्ण है, कितना पौराणिक स्थल है, तो सब जगह जाते रहे हैं। अब बड़ा खुशी हुई कि जब हम लोगों ने ललन बाबू को एक बार कहा कि भाई आप एमपी बनना चाहते हैं तो वहीं से बनिए एमपी, तो बड़ी खुशी की बात हुई कि आप लोगों ने इनको एमपी बनाए। आपसे आग्रह करेंगे कि सब दिन इनको एमपी बनाए रखिए, है ना तैयार, तैयार है ना। अब बाकी सब तो ऐसे ही करते रहता है, छोड़ो ना उकरल है। आ दूसरा लोग कौन बात करता है आजकल दिल्ली में, वो सब क्या क्या बात करता है, काम तो हम लोग ना कर रहे हैं, किसी के मदद से काम कर रहे हैं। याद करिए ना कि कितना काम किए हैं जी। वहीं मीडिया को सहारा बनाकर केंद्र पर निशाना साधते दिखे सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग पत्रकारों के पक्षधर हैं, यह लोग काफी अच्छे ढंग से लिखते हैं, लेकिन इन पर दिल्ली वाले कब्जा करके रखे हैं, वह लिखने नहीं देते हैं। आप तो देख ही रहे हैं ना, हम लोग बिहार में कितना काम कर रहे हैं, जाति आधारित गणना हम लोग कराए, इसको लेकर केंद्र सरकार के पास हम लोग सभी पार्टी के साथ मीटिंग करके गए थे, लेकिन वह लोग नहीं सुने। जब पूरा रिपोर्ट आ गया तो देख लिए ना, बिहार में गणना में आर्थिक स्थिति का पता चल गया है।
अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति सभी लोगों के विकास के लिए बिहार सरकार काम कर रही है। आरक्षण संशोधन विधेयक भी हम लोगों ने लाया। राज्य सरकार सभी वर्ग के लोगों को 2 लाख रुपए रोजगार के मदद के लिए दे रही है। आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया। जितना काम हम लोग कर रहे हैं, केंद्र वाला लोग उसका विरोध कर रहा है। अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो 2 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी। हम लोग विशेष राज्य के दर्जे के लिए अभियान चलाएंगे और बहुत कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, जरा सुनिए। जब से मौका मिला हमको 2005 में, तब से कितना एक एक चीज में काम नहीं किए। सब बेचारा पत्रकार लोगों को मालूम है, लेकिन लोगों पर कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला, कहता है कि तू इसका बात मत बोलो। तो इसीलिए आजकल हमसे अच्छा करते हैं, हमसे अब नहीं बतियाता है बेचारा सब। तो हम भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, खाली मीटिंग के दौरान कह देते हैं कि हम लोग कितना काम करते हैं। हम सब पत्रकार जितने हैं सबके पक्षधर हैं, सब अच्छे लोग हैं। इन पर कब्जा करके जबरदस्ती बेचारे को करते रहता है, रोक लगाते रहता है, लेकिन सब सही व्यक्ति है। जब भी देखते हैं देश भर में कहीं भी कुछ होता है राज्य में कहीं, तो देखते हैं। अब बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं, लेकिन उनको लिखने देता है जी, कह देता है कि ना तुम्हारा ये मत पब्लिश करो। और जब हम लोग कोई काम करते हैं तो एक दिन तो ये लोग पब्लिश कर देता है। आज दिल्ली से खबर आ जाता है, अब इसको बंद कर दो, मत करो कुछ। सब तरह तरह का बात होते रहता है। तो कौन काम हम लोग नहीं कर रहे हैं बोलिए ना, और सबके हित में बात कर रहे हैं। आ देख न रहे कि बिहार में कितना ज्यादा हो गया जाति आधारित गणना। आज जब हम लोग मांग कर रहे थे कि पूरे देश में होना चाहिए जाति आधारित जनगणना, हम लोग सब पार्टी को ले जाकर के 9 पार्टी के साथ मीटिंग करके गए। अब वो लोग सुने नहीं, तो हम लोग 9 पार्टी को एक साथ करके करा दिए। और बिहार में किए जाति आधारित गणना, जनगणना तो केंद्र का काम। अब बीच में एक बार सब कराया था कि अरे जनगणना तो केंद्र का है, तो हमने कहा कि भाई जनगणना तो आप ही को ना करना, हम लोग तो गणना ना कर रहे हैं। और जब हो गया, पूरा रिपोर्ट आ गया, देख लिए ना, और उसके साथ हमने क्या कहा था, सब लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी, एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का भी जानकारी लेंगे। अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम किसी भी कम्युनिटी का, आ सब का जो देखा गया है उसकी रिपोर्ट आई, और एक एक रिपोर्ट पब्लिश करके हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग करेंगे। आ सबको मदद कर रहे हैं। अब हम लोग 50% था और अपर कास्ट के लिए 10% केंद्र ने किया, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि ठीक किया। और आप जानते हैं कि 50% जो है उसमें पहले से तय है कि एससी और एसटी को 100% होता है। तो हमारे यहां जब एससी एसटी की संख्या बढ़ गई तब हमने तय किया, पहले 16% था, 1% था, अब उनको बढ़ा करके हम लोगों को 20% और 2% 22% हो गया। तब 50 में कितना बचा, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाएंगे और 65%। तो सब किया हमारे यहां विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित किया। और इसके बाद सब हम रिपोर्ट भेज दिए और यहां पर तो एक एक तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं कि सबको इसका लाभ सब लोगों को मिल जाए। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहते हैं ना जी। आज जितने लोगों का जो हम आर्थिक स्थिति का जो चर्चा किए, तो कितने लोग थे भारी संख्या में, अपर कास्ट भी, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सब थे। अब मुस्लिम कम्युनिटी में तो बेचारे को अनुसूचित जाति में नहीं माना है, अनुसूचित जनजाति तो यहाँ नहीं है। अब बाकी वो हैं जो भी हैं अपर कास्ट में है या पिछड़ा या अति पिछड़ा में, तो सबको मिला करके देख करके आर्थिक स्थिति का सबके लिए कर दिया कि प्रत्येक परिवार को जो भी है उस घर का हर परिवार को हम लोगों ने तय किया कि राज्य सरकार 2 लाख रुपया उनको देगी कि आप कोई ना कोई काम करिए। बोलिए ना, हम लोग कितना बड़ा, मतलब 1.5 लाख रुपया से ज्यादा का हम लोग मदद कर रहे हैं, काम शुरू कर दिए हैं। आ केंद्र से तो हम लोग कह न रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम लोग तो तब से कह रहे हैं। कितना कितना पिछड़ापन है भाई, अभी लोग तो झूठ ही ना बोलते रहते हैं किसी को
यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं, हर जात के लोग गरीब लोग हैं। तो बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, तो उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। तो आप लोगों का समर्थन है ना जी विशेष राज्य के दर्जा का? खड़ा होकर के बोला, पूरा पूरा का पूरा है। नीचे कहा बैठी है महिला सब, खड़ा होकर बोलो पक्ष में है ना एकदम। तब विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोगों का पूरा अभियान चलेगा। और आप बोलिए, हम लोग तो हर जात के लिए न कर रहे हैं जी, किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो हर तरह से काम कर रहे हैं। और मुंगेर का तो जितना महत्व है इसको हम कैसे कभी कभी भुला सकते हैं। तो एक एक चीज का जो काम हो रहा बहुत अच्छी बात है, और ये सब कुछ हुआ है। और सदर अस्पताल मुंगेर में भी 100 बेड का अस्पताल उद्घाटन भी हो गया। अब सोच लीजिए, उद्घाटन भी हो रहा है और सदर अस्पताल मुंगेर में 32 बेड का शिशु गहन चिकित्सा इकाई का भी उद्घाटन, तो बड़ी खुशी की बात है कि सब काम तो अरे हम लोगों का काम है, हम लोग तो घूमते रहते हैं, और भी जो जरूरत है उसको तो हम करते रहेंगे, और आप क्या भी करेंगे, अब पूरे बिहार में करेंगे, और सबके हित में काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सब लोग मिल करके एकजुट होकर के हम लोग निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और अगर मिल जाएगा तो अभी जो हम कह रहे हैं कि हर आदमी जो हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो लोग की आर्थिक स्थिति का भी, तो हम लोगों को जितना अपना पैसा उसके हिसाब से हमको 5 साल लगेगा, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा चीज है, आई कौन चीज काम करते रहते हैं भाई। आजकल दिल्ली में है तो उस राज्यवा में गरीबी नहीं है, अब बाकी जहां जहां गरीबी है उसका कोई ध्यान नहीं देना है। आई सब को तो उसके पार्टी के लोग भी पहले ठीक ठाक थे, अब आजकल सब पर नियंत्रण कर दिया है तो उन लोग को भी बोलते रहना पड़ता है उल्टा पुल्टा, सबको उल्टा पुल्टा बोलते रहना पड़ता है, कोई फायदा नहीं। अब पहले जब मेरे साथ था तो जो हम करते थे सब में सपोर्ट ना करता था जी, कोई इधर उधर करता था, लेकिन आजकल जितना कम्मा हम लोग कर रहे हैं तो उसी में इधर से उधर करता है। तो इसीलिए समझ लीजिए कि जो लोग भी हैं वो चाहते हैं कि वही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। अब प्रचार प्रसार तो एक गो का न होता है जी, और किसी का प्रचार प्रसार होता है। केंद्र में 2 गो नेता है, अब उसी का खाली आते रहता है न्यूज़पेपर सब, दिल्ली से लेकर के कहां तक ना रोज रोज आते रहता है। अब पटना में जब लोग आते हैं तो कितना मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं। अब क्या करा क्या बनो देखिए, आप जो कहिए कहिए, हम जरा सा भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, हम तो यही याद कराते हैं कि हम लोग तो काम करते हैं, और सब लोग इसी को करिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से बिहार विकसित होगा। और हम लोग जो मदद करेंगे वो समूचे देश के हर राज्य के विस्तार के लिए जो कुछ भी हम लोगों को सहयोग देना है हम लोग देंगे, यही हम लोगों का है। तो आज आपके बीच में आने का मौका मिला, अब मेरा तो इतना जगह है आपकी जगह से, इतना ही आपका पौराणिक जगह है कि हमको फिर आने का मौका मिला है। मैं नमन करता हूं यहां पर आने का फिर मौका मिला, और मैं तो ललन बाबू को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ही कहा कि आप आइएगा, तो हम तो आ गए, अब बड़ी खुशी की बात है। आज जब कहिएगा आने के लिए तब हम पहुंच जाएंगे और सबका दर्शन करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और ये काम, और हम चाहते हैं कि देखिए अपर मुख्य सचिव जरा खड़ा होइए, अरे इसका कम्मा शुरू करना दीजिएगा, कंप्लीट शुरू कराइए, जिस दिन इसका काम शुरू हो जाएगा हम देखने के लिए आवेंगे कि काम शुरू हो गया, समझ गए ना। जल्दी से जल्दी शुरू करा दीजिए, ये नहीं कि चुनाव उनाव का चक्कर करिए, इसी साल शुरू करा दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।